बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू काउंटडाउन ग्रेड 5 चैप्टर 8 पेरीमीटर एंड एरिया, पेज नंबर 159। एरिया, रीजन ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, एनी शेप सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स बाय अ लाइन where the starting and ending points of the line are the same is a closed shape. The surface enclosed in a closed shape is a region of the closed shape. So students, हमारे पास हमने किसको describe किया है? Closed shape. तो हमने कहा जब हमारा ending point और starting point एक ही हो, means ये देखें अभी जितने भी figures हैं यहाँ से अगर start हो रहे हैं तो यहाँ से करते करते यहाँ पर ही end हो रहा है, तो इस तरह की shape को हम क्या कहेंगे? Closed shape होती है। The shaded parts are the region of each closed shape. Moreover, the shaded parts tell us the surface covered by the shapes. So students, ये shaded region है, shaded parts है, ये क्या है? Are the region of each closed shape. और ये हमें और क्या बताते हैं? The shaded parts tell us the surface, कि इस shape में कितना surface cover किया हुआ है. The amount of surface a shape covered is called its area. तो जिस कोई भी शेप हो उसने जितना भी एरिया कवर किया होता है, जितनी भी उसकी द अमाउंट ऑफ सरफेस होती है वो उसका क्या होता है? उसका एरिया होता है। लुक केयरफुली एट द गिवन पेयर्स ऑफ शेप, टिक द शेप इन ईच पेयर व्हिच हैज अ ग्रेटर एरिया। सो अब आप देख सकते हैं कि किस शेप का ग्रेटर एरिया है। अगर फिर ए को देखें, ये हमारे पास क्या है? स्मॉल है। ये हमारे पास क्या है? ग्रेटर है। तो आपको पता है कि अगर बड़ी जगह है तो उसका एरिया भी क्या होता है? ग्रेटर होता है। इसी तरह नीचे देखें, टिक द शेप विद द स्मॉलर एरिया, कि इन दोनों से स्मॉलर किसका है। आप देखिए ये दोनों फिक्स बिल्कुल सेम है, बट यहाँ से थोड़ा सा इस पिक को हमने क्या किया हुआ, ये क्या है? यहाँ से थोड़ा सा इसका एरिया क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस शेप का एरिया क्या है? कम है। इट इज नॉट ईजी टू टेल विच शेप हैज अ ग्रेटर एरिया। टू हेल्प अस फाइंड आउट द एरिया वी यूज प्योर ग्रिड। सो स्टूडेंट्स, इस तरह जस्ट फिगर्स को देख के ये बताना आसान नहीं है कि हमारे पास कौन सी पिक का एरिया ज्यादा है या कौन सी पिक का एरिया कम है। तो इस एरिया को हम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? वी यूज स्क्वायर ग्रिड्स। एरिया इन पेरीमीटर ऑफ अ शेप कैन बी डिफरेंशिएटेड एज फॉलो। सो इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले, इन एट एक्सरसाइज 8B को सॉल्व करने से पहले हमें डिफरेंशिएट करना होगा एरिया और पेरीमीटर को, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो देखें, एरिया इज अ सरफेस कवर्ड बाय अ क्लोज्ड रीजन। एरिया क्या है? सरफेस है जो किसी भी क्लोज रीजन ने कवर की होती है। अब देखें, ये हमारे पास एक क्लोज रीजन है। आप देखें ये शेप हमारा क्या है? क्लोज रीजन है। अब इसके अंदर जो भी चीज है, यानी ये जो जितना भी एरिया कवर किया गया है, ये इसका क्या है? एरिया है। व्हाइल पेरीमीटर इज अ सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री लाइंस ऑफ द रीजन। जबकि पेरीमीटर हमारे पास क्या है? पेरीमीटर हमारे पास सम होता है किसका? लेंथ ऑफ द बाउंड्री लाइंस, यानी कि जितनी भी बाउंड्री लाइंस होती हैं उन सब का क्या होता है? सम जो होता है वो पेरीमीटर होता है। फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ शेप यूजिंग स्क्वायर ग्रिड्स। अभी हमारे पास स्क्वायर ग्रिड्स हैं, हम इनको देख के हम बताएंगे कि हमारे पास एरिया क्या है किसी भी शेप का, या फिर ये भी बता सकते हैं कि किस शेप का एरिया इक्वल है, किस शेप का एरिया ग्रेटर है। लुक एट दिस शेप, इट इज नॉट इजी टू टेल विच शेप हैज अ ग्रेटर एरिया। टू फाइंड आउट द एरिया लेट अस पुट द शेप ऑन टू स्क्वायर पेपर। हाउ मच स्क्वायर डज ईच शेप कवर? शेप ए कवर्स 7 स्क्वायर्स, शेप बी कवर्स 8 स्क्वायर्स। अब आप देखें हमारे पास ये दो शेप्स हैं ए एंड बी। जैसे अगर हमारे पास इस तरह से ऊपर जिस तरह से सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, इस तरह से हमें कहा जाए एरिया आप बताएं किस शेप का ग्रेटर है, तो ये हमारे लिए क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक स्क्वायर इसको हम क्या करते हैं? स्क्वायर पेपर के ऊपर पुट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि किस शेप का एरिया क्या है? ग्रेटर है। अब आप देखेंगे शेप ए है, इसके हमारे पास कितने स्क्वायर्स हैं? 7 स्क्वायर्स हैं। जबकि शेप बी के हमारे पास कितने स्क्वायर्स हैं? 8 स्क्वायर्स हैं। सो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास बी जो है, बी हैज अ लार्जर एरिया देन ए। लुक एट द शेप्स मार्क ऑन द ग्रिड, नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, व्हिच शेप हैव द सेम एरिया एज शेप ए। अब आप देखें इस फिगर में, देखें आपके पास शेप ए के कितने एरिया है? 2 सेंटीमीटर एरिया है, सॉरी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। अब आप देखें कि हमारे पास शेप ए के जितना, मतलब 2 सेंटीमीटर हमारे पास जो एरिया आ रहा है 2, तो इतना और किस शेप का है?
आप देखें सी एंड जे, यहाँ भी हमारे पास क्या है, टू टू ग्रिड्स को ही हमने कवर किया है. सो सी एंड जे हैव द सेम एरिया एज शेप ए. व्हिच शेप्स हैव द सेम एरिया एज शेप एच. अब देखें एच शेप को देखें, एच में हमारे पास कितने हैं, थ्री. तो इसी तरह हमारे पास किस किस शेप के सेम एरिया है, बी डी एंड एफ. विच आर द शेप्स विद द लार्जेस्ट एरिया एंड द स्मॉलेस्ट एरिया. अब आप इन सारी फिग्स में देख के बताएं कि सबसे पहले कि लार्जेस्ट एरिया किस शेप का था और स्मॉलेस्ट एरिया क्या है. आई हैज द लार्जेस्ट एरिया, ए सी एंड जे हैज द स्मॉलेस्ट एरिया. The area of this shape is 7 by 2 squares. अब अगर आप ये काउंट करें यहाँ पे कितने स्क्वायर्स हैं, 7, और ये एक हमारे पास हाफ स्क्वायर था, तो इसीलिए हमने लिखा 7 एंड हाफ स्क्वायर. The area of this shape is, अब ये जो दूसरी शेप है इसमें हमारे पास एरिया क्या है, 6 एंड हाफ, यानी 6 1/2, 5 होल स्क्वायर थे और 3 हमारे पास क्या थे, हाफ स्क्वायर थे. अब देखें जब 3 हाफ स्क्वायर, यानी कि इसमें दो जो हाफ स्क्वायर थे वो मिलकर क्या बन जाएंगे, एक कंप्लीट स्क्वायर. तो इसे लिखा 5 + 1 = 6, और जो लास्ट में हाफ 1 तो इसे लिखा 1/2 स्क्वायर्स. एग्जांपल, ऑन स्क्वायर्ड पेपर ड्रॉ डिफरेंट शेप्स विद एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर ईच. सो ये हमारे पास इस तरह से हमने क्या किया है, हमने हर स्क्वायर में 4 स्क्वायर्स लिए हैं और उसको डिफरेंट शेप्स में ड्रॉ किया है स्क्वायर पेपर के ऊपर. यूनिट ऑफ एरिया, हियर इज अ ग्रिड मॉड आउट इन स्क्वायर्स विच योर रूलर फाइंड आउट हाउ लॉन्ग ईच स्क्वायर साइड. Each side is exactly 1 cm long. The grid is made up of 12 squares like this. So, ये एक square किसके equal है? 1 cm के ऊपर, और ये हमारे पास total कितने हैं? 12 squares हैं. Each square has an area of 1 square centimeter. तो हर जो square होगा उसका area किसके equal होगा? 1 square centimeter. We say 1 square centimeter and we write as 1 centimeter square. सो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास हमसे कहा जाएगा कि एरिया क्या है, यूनिट ऑफ एरिया क्या है, सॉरी यूनिट ऑफ एरिया क्या है, तो आप कहेंगे हमारे पास एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर यूजिंग द फॉर्मूला. जिस तरह से हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर को हमने फाइंड करना सीखा था, हमने कहा था फार्मूला की हेल्प से हम कैसे फाइंड करते हैं, इसी तरह हम क्या सीखेंगे कि हम एरिया किसी भी रेक्टेंगल का या किसी भी स्क्वायर का फार्मूला की हेल्प से किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. लुक एट दिस रेक्टेंगल, इट इज मेड अप ऑफ 8 स्मॉल स्क्वायर्स विद ईच विद एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो टोटल एरिया ऑफ द शेप इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. देयर आर टू रोज ऑफ 4 स्क्वायर्स ईच. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास टोटल 2 रोज हैं, 1 एंड 2, बट हर रोज में कितने स्क्वायर्स हैं, 4 स्क्वायर्स हैं. There is a very simple way of finding the area and perimeter of a rectangle. To find the area, we multiply the length of the rectangle by the width. So, जब भी हम area किसी भी rectangle का find करेंगे, तो हमें क्या करना है? Length को और width को multiply कर देना है. Width क्या है? Width is another word for width. So, width जो है, width के लिए एक और नाम भी है. यानी width और width क्या है? Same हम इसको कह सकते हैं. Here area, देखें area पर rectangle को हम कैसे find करेंगे, L cross B, यानी length को और width को multiply करेंगे. अब आप देखें हमारे पास क्या थे, squares 4 थे और rows कितनी थी, 2. So 4 are 8 centimeter square. आपको पता है, मैं आपको already बता चुकी हूँ, जब हम किसी भी values को multiply करते हैं तो उसके साथ जो units होती है उनको भी क्या किया जाता है, आपस में multiply किया जाता है. इसीलिए यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, आप देखें ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, बट देखें 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 8 आया है. सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर की पावर क्या आ जाएगी, 2, जिसको हम पढ़ते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर. सो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ लुक एट दिस स्क्वायर, इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्मॉल स्क्वायर्स विद ईच विद एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये जो स्क्वायर है, यानी इसका जो एक बॉक्स है ये किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर के. तो ये सारे बॉक्स, चार बॉक्सेस हैं, तो चार बॉक्सेस किसके इक्वल हो जाएंगे, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के. द एरिया ऑफ द 4 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. देयर आर 4 1 सेंटीमीटर. टू फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर वी मल्टीप्लाई लेंथ बाय ब्रेथ एज वी डिड फॉर अ रेक्टेंगल. अब देखें
जैसे हमने रेक्टेंगल में किया था कि हम एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ और ब्रेथ को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी हम वही काम करेंगे। वी नो दैट द मेजर ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ स्क्वायर इज सेम, लेकिन यहाँ पर हमें ये खुद पता है कि जो स्क्वायर होता है उसमें लेंथ और ब्रेथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब यही है ना कि उसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें पता है कि स्क्वायर में हमारे पास लेंथ और ब्रेथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन हम काम वही करेंगे, हेंस हम वही लिखेंगे लेंथ क्रॉस ब्रेथ। अब देखिए स्क्वायर में लेंथ एज इट इज लिखी, ब्रेथ भी क्या होती है, वो भी लेंथ के इक्वल होती है, तो एल को एल से मल्टीप्लाई किया है और इसकी पावर क्या आई है, टू, क्योंकि एल कितने टाइम है, टू टाइम। सो अब यहाँ पर हमारे पास एक क्या है, लेंथ किसके इक्वल है, 2 सेंटीमीटर के, ये देखें 1 और 1 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रॉम द अबव डिस्क्रिप्शन वी डिड्यूस द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर। अब इन सारे ये जो हमने ऊपर प्रोसीजर पढ़ा इससे हमने यही डिड्यूस किया कि हमारे पास जो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ, और एरिया ऑफ अ स्क्वायर किसके इक्वल है, एल स्क्वायर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पावर 2 होती है उसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर। So area of a square is equal to L square. Area of a composite shape. जिस तरह से हमने perimeter of a composite shape find किया था, इसी तरह से हम क्या अब सीखेंगे? Area of a composite shape. Very often we need to measure the areas of shape which are not simple squares or rectangles. For example, here is the floor plan of a living room. अब देखें जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो भी शेप्स गिवन हमें सिंपल स्क्वायर्स गिवन हो या सिंपल रेक्टेंगल्स गिवन हो, हमारे पास इस तरह की भी शेप हो सकती हैं। अगर हमारे पास इस तरह की शेप हो तो हाउ कैन वी कैलकुलेट इट्स एरिया, तो हम किस तरह से यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड द शेप इंटू टू रेक्टेंगल्स। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जो भी शेप होगी उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंट शेप में डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो शेप है इसको हमने टू रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लिया है। अब आप देखें यहाँ पर ये हमारे पास ये हमने डॉटेड लाइन लगाई, इसमें हम खुद से ड्रॉ करें। सो सबसे पहले इस फिग को ए का नाम दे दिया और इस फिग को बी का नाम दिया। एरिया ऑफ ए, आपको पता है एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ, सो 5.5 मल्टीप्लाई बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 11.0 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बी, बी का क्या है, 2.5 एंड 1, सो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1 व्हिच इज इक्वल टू 2.5 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, देखें ये तो हमने अलग अलग फाइंड कर लिया दोनों, पर शेप हमारे पास एक ही लिविंग, हम किसकी बात करते हैं, फ्लोर प्लान ऑफ अ लिविंग रूम। सो टोटल एरिया ऑफ द रूम कि हमने अब देखना है, ये जो दो शेप से हमने अलग अलग एरिया फाइंड किया है, इसका ये जो रूम है इसका टोटल एरिया कितना है। सो टोटल एरिया के हम क्या करेंगे, इन दो एरियाज को प्लस कर देंगे, 11.0 प्लस 2.5, जब इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13.5 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द लिविंग रूम इज 13.5 मीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 8B, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स, पार्ट ए, द क्लोज रीजन इन अ शेप इज कॉल्ड इट्स एरिया, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस ब्रेथ यूनिट स्क्वायर। इफ एल इज वन साइड ऑफ अ स्क्वायर देन इट्स एरिया इज एल स्क्वायर, सो एरिया क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बाय एल व्हिच इज इक्वल टू एल स्क्वायर। डी, इन अ रेक्टेंगल एल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया। अब आपको पता है एरिया में हम क्या करते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, सो 9 4 और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 1 सेंटीमीटर विल बी, अब हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का जिसकी साइड किसके इक्वल है, 1 के। तो आपको पता है हम एरिया फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एल स्क्वायर में वैल्यू पुट करते हैं, सो 1 की पावर 2 की लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ए, अ स्क्वायर विद साइड 4 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल विद साइड 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर हैव द सेम एरिया, सो द स्टेटमेंट ए इज ट्रू। B, if the length of a rectangle is 15 meter and breadth is 10 centimeter, then the area of rectangle is 25 centimeter square. False, क्योंकि आपको पता है 10 को और 15 को अगर आप मल्टीप्लाई करें कि हम एरिया फाइंड करें तो हमारा ये आंसर नहीं आएगा। C, the area of a square with each side 5 centimeter is equal to 20 centimeter. कि अगर हमारे पास हर साइड 5 सेंटीमीटर के इक्वल हो तो जब हम ए
एरिया लेंगे तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर आएगा। आपको पता है ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। सो सी क्या है, फॉल्स है। डी, द एरिया ऑफ अ कंपोजिट शेप कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग द शेप इनटू इन रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। सो जो हमारे पास कंपोजिट शेप्स होती हैं उसके एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, शेप को रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स में डिवाइड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। If L is equal to 18 centimeter and B is equal to 1 centimeter, then the area is 18 centimeter square. कि अगर हमारे पास length 18 है और breadth क्या है 1, तो area हमारे पास क्या होगा 18 centimeter square. तो ये statement भी क्या है, true है। 18 1 is 18 centimeter को जब centimeter से multiply करते हैं तो centimeter square आ जाता है। Question number 3, select the correct answer from the given options. The area of a shaded part in the given figure is. So ये जो shaded part है हमारे पास, इसमें area कितना है अब आप count कर सकते हैं, 1, 2, इसको मिला के क्या बन जाएगा 3, और ये क्या है half, 3 and half, 3 1/2 centimeter square. B, the area of the given rectangle is. अब यहाँ पर फिर को इसका जो है area क्या है 8 and 2.5, area हमें rectangle का दिया तो हमें पता है 8 को हम किससे multiply करेंगे 2.5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द गिवन शेप इज, अब ये हमारे पास गिवन शेप है, इसको आप क्या करें, ये कंसीडर कर ले रेक्टेंगल और स्क्वायर कंसीडर कर ले स्क्वायर। जब इन दो का अलग से हम एरिया फाइंड करेंगे और उनको प्लस करेंगे तो हमारे पास लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा, 5 मीटर स्क्वायर। डी, If the perimeter of a square is 16 centimeter, then its area is 16 centimeter. अगर हमारे पास क्या है, perimeter है किसी भी square का 16 centimeter, तो उसका area भी क्या होगा 16 centimeter. The side of a square is 11 centimeter, its area will be. अगर एक square है उसकी एक side क्या है 11 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया फाउंड करने के लिए हम क्या करते हैं 11 multiply by 11 into centimeter square. Question number 4, which two shapes in each group have the same area? अब आप देखेंगे हमारे पास different shapes हैं A, B and C. इसमें से हमें बताना है कि कौन सी दो shapes ऐसी हैं जिनका एरिया क्या है same है. अब आप देखें 1, 2, 3, 4. So A और B का क्या है हमारे पास same area है, A and B. फिर टू में देखें यहाँ पर ए बी और सी, अब यहाँ पर हमारे पास किसका सेम एरिया है, ए एंड बी का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब सी में अगर आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो शेप ए एंड शेप बी है द सेम एरिया। पार्ट सी, इसी तरह पार्ट सी में जब कैलकुलेट करेंगे आप काउंट करेंगे तो आप देखेंगे बी और सी का क्या है हमारे पास सेम एरिया है। Question number 5, find the area of these shape when each side of the small square is 1 cm. कि यहाँ पर हर जो साइड है, यानी हर ये जो small square किसके बराबर है 1 cm, आप बताएं एरिया कितना है। जस्ट हमें क्या करना है, शेडेड एरिया, सॉरी शेडेड रीजन जितने भी हैं उनको काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर क्या लिखेंगे 9 cm square। यहाँ से काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सो ये क्या आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। अब बाकी के इसके जो शेप्स हैं सी डी ई एफ, इसको आप खुद काउंट करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेप। अगेन हमने इसको भी क्या करना है कि हमने एरिया फाइंड करना है हर शेप का। अब आप यहाँ पे फिर देख सकते हैं एक बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये क्या है हाफ पार्ट है, सो 8 and half, 8 1/2 सेंटीमीटर। लास्ट वीक का देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसको मिला के 13 and half, सो इसका एरिया क्या आ जाएगा 13 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह आप फिक बी और फिक सी का भी क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच थ्री शेप्स शोन बिलो अबव हैव द सेम एरिया। क्या अभी इनमें से कौन सी शेप्स, तीन शेप्स ऐसी हैं जिनका सेम एरिया है, तो आप देखें काउंट करें आपको पता चलेगा ए सी एंड डी का सेम एरिया है। अब आप देखें ए में कितना एरिया है 1, 2, 3, 4 and 5, सी में कितना है 1, 2, 3, 4 and 5, और डी में हमारे पास क्या है 1, 2, 3
इसको इसको ज्वाइन करेंगे तो 1 और ये भी 1, तो 3, 4 एंड 5. सो ए सी एंड डी हैव द सेम एरिया. क्वेश्चन नंबर 10, यूज द फॉर्मूला टू वर्क आउट द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है, हमें एरिया कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल्स का. और उसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमने एरिया ही कैलकुलेट करना है, बट किसका करना है, स्क्वायर्स का. हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, हम सेम को सॉल्व करके देख लेते हैं और बाकी के तमाम पार्ट्स आप खुद करेंगे. पार्ट ए, एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल किसकी होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ. लेंथ क्या है 10 और ब्रेथ क्या है 7. सो 10 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 70 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 11, यूज द फार्मूला टू वर्क आउट द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स. पार्ट ए, एल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड पार्ट बी, एल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. सो सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व किया है. एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया क्या है हमारे पास 13, सॉरी लेंथ क्या है 13. हमें पता है एरिया के लिए हम क्या करते हैं, एल मल्टीप्लाई बाय एल. ये सिंपल आप इसको लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर भी हम यूज करते हैं. सो 13 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर. बी, एल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. अगेन हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 40 की होल पार्ट 2, यानी 40 स्क्वायर, या फिर आप लिखें 40 मल्टीप्लाई बाय 40 विच इज इक्वल टू 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 12, वर्क आउट दीज फ्लोट एरियाज बाय डिवाइडिंग द शेप इनटू रेक्टेंगल्स. कि अब हमारे पास ये जो शेप्स हैं इनको हमें किस में डिवाइड करना है, रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है, देन हमें इसका एरिया फाइंड करना है. अब आप देखें इस शेप को हमने डॉटेड लाइन से मैंने लगाई है, इसमें हमने इस शेप को रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया है. अब एरिया ऑफ ए, इसको फिग ए का नाम दिया है, इसको फिग बी का. सो एरिया ऑफ ए, फिग ए का क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5 विच इज इक्वल टू 4.5 मीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ फिग बी, ये जो बी है इसका एरिया क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 6.5 विच इज इक्वल टू 32.5 मीटर स्क्वायर. बट हमें पता है जबकि हमने जो एरिया बताना था, हमने टोटल एरिया भी करना होता है. सो टोटल एरिया में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं 4.5 मीटर स्क्वायर प्लस 32.5 मीटर स्क्वायर. तो आंसर हमारे पास प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा, 37 मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज अ फ्लोर प्लेन ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग, वर्क आउट द एरिया ऑफ ईच रूम इन इट. ये हमारे पास फिगर है, इसमें हमारे पास डिफरेंट क्या दिए हुए हैं, एक स्कूल बिल्डिंग दी है जिसमें हमारे पास प्ले रूम भी है, क्लासरूम ए है, क्लासरूम बी है, टॉयलेट है, फ्लोर प्लेन भी है. तो हमें क्या करना है, हर शेप जो जो भी हमारे पास क्या है, हर रूम है, उनका एरिया फाइंड करना है. सो सबसे पहले क्या लेते हैं, एरिया ऑफ क्लासरूम ए. अब देखें ये क्लासरूम ए है, इसमें हमारे पास एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेंथ क्रॉस ब्रेथ. सो सबसे पहले लेंथ क्या है, 6 4 और 24 मीटर स्क्वायर. अब इसका ये देखें यहाँ पर इसके ये दूसरा, क्योंकि हमने इस फिगर को भी डिवाइड किया है टू पार्ट्स में, पहले क्या है रेक्टेंगल और दूसरा क्या है, दूसरे भी हमारे पास ये शेप है. तो यहाँ पर इसका एरिया क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 15. सो 6 मल्टी, पहली शेप जो हमारे पास है हमने क्या किया है, इसमें 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आंसर आया है 24 मीटर स्क्वायर. अब इसके लिए जो दूसरा, इसके जब हमने शेप को टू पार्ट्स में जो डिवाइड किया है, इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या है, 8 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ये देखिए ये हमारे पास क्या है, 8 और ये क्या है 15 यहाँ से यहाँ तक. सो 8 और 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 120 मीटर स्क्वायर. अब आपको पता है जब भी हम एरिया लेते हैं, अगर हम शेप्स को डिवाइड करते हैं तो हम लास्ट में वैल्यूज को क्या करते हैं, प्लस करते हैं. सो 120 प्लस 24 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 144 मीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ क्लासरूम ए इज इक्वल टू 144 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ क्लासरूम बी, अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे. इसका एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ. लेंथ क्या है 15 मल्टीप्लाई बाय 9.5. इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा 142.5. अब इसका जो सेकंड शेप, यानी शेप को यहाँ पे हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो सेकंड में क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाई, देखें 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 3 और 24. अगेन हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज को प्लस करेंगे. सो 142.5
plus 24, which is equal to 166.5 meter square. Area of playroom. अब जो ये हमारे पास playroom है, हम इसका area find करेंगे. इसका area find करने के लिए क्या है? 25 meter multiplied by 15 meter. 25 को जब 15 से multiply किया तो answer आया 375. और इसका जो दूसरी shape है, उसका क्या है? 7 और 5. 7 को जब 5 से multiply करेंगे तो हमारा answer आ जाएगा. ये देखें आप यहाँ पर ये है 7 और ये क्या है 5. 7, 5 और 35. और इन दो को वैल्यूज को भी जब एरिया ऑफ प्लेरूम फाइंड करने के तो हम प्लस करते हैं, प्लस करके आंसर आ जाएगा 410 मीटर स्क्वायर. लास्ट है एरिया ऑफ टॉयलेट. सो एरिया ऑफ टॉयलेट में जस्ट एक ही वैल्यूज गिवन है, शेप हम डिवाइड ही करें 7 मल्टीप्लाई बाय 5 व्हिच इज इक्वल टू 35 मीटर स्क्वायर. व्हाट प्रॉब्लम्स अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर एंड मल्टीप्लाई बाय 15 मीटर, व्हाट इज इट्स एरिया. सो स्टूडेंट्स हमें पता है, वी नो दैट एरिया फॉर रेक्टेंगुलर फील्ड किससे इक्वल होता है? लेंथ क्रॉस विड्थ. लेंथ क्या है? 20 मीटर और विड्थ क्या है? 15 मीटर. सो 20 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 300 मीटर. को मीटर से करेंगे तो मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ अ फर्टाइल फील्ड इज 512 मीटर स्क्वायर. अ स्क्वायर पीस ऑफ फील्ड विद साइड 20 मीटर इज यूज्ड टू प्लांट पोटैटोस. हाउ मच एरिया इज लेफ्ट अनप्लांटेड. हमने क्या करना है, हमारे पास एक फर्टाइल फील्ड है जिसका एरिया है 512. उसमें से 20 मीटर यानी जो स्क्वायर पीस है 20 मीटर का, उसमें हमें क्या किया हुआ है, वो हमें किसके लिए यूज किया हुआ है? इज यूज्ड टू प्लांट पोटैटोस. अब आप ये बताएं कि अनप्लांटेड एरिया कितना है. सो एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 512 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ फील्ड व्हिच इज प्लांटेड. अब प्लांटेड हमारे पास टोटल कितना था? 20 मीटर. आपको पता है ये स्क्वायर पीस है. सो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिखें 20 मीटर पर स्क्वायर. 20 को 20 से जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 400 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ फील्ड अनप्लांटेड. अब जो हमने यही फाइंड करना था कि अनप्लांटेड एरिया कौन सा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 512 माइनस 400 तो हमारे पास आ जाएगा 112 मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 3, इफ द एरिया ऑफ रूम इज 270 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 18 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ. एरिया ऑफ अ रूम. सो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एरिया. एरिया क्या है? 270 मीटर स्क्वायर. और लेंथ भी हमें गिवन है, लेंथ क्या है? 18 मीटर. हमने ब्रेड्थ को फाइंड करना है. जस्ट हम क्या करेंगे, हम फार्मूला लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ. अब इसमें वैल्यूज को पुट करके एरिया किसके इक्वल है? 270 मीटर स्क्वायर, लेंथ है 18 मीटर और ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है, इसलिए इसको एज इट इज लिखा. अब आपको पता है बी और 18 यानी ब्रेड्थ और 18 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई. यहाँ ये मल्टीप्लाई होती है वैल्यूज और दूसरी साइड जाकर क्या हो जाती है, डिवाइड. एम को एम से कैंसिल किया, 18 को 270 से कैंसिल किया, रहेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 मीटर. सो ब्रेथ इज इक्वल टू 15 मीटर. स्टूडेंट्स ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 इज योर होमवर्क. डू इट ऑन योर नोटबुक ऑफ मैथमेटिक्स. जज़ाकअल्लाह फ़ी अमानिल्लाह.